Hi guys, I am Neetu Nigam and welcome to my channel My Parsala by Neetu Nigam. आज मैं SOF Olympiad से आपके लिए क्लास फर्स्ट के सिलेबस एंड सैंपल पेपर लेकर आई हूँ मैथमेटिक्स SOF इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलम्पियाड का आप देख पाएंगे। साथ ही इस वीडियो में आप जानेंगे कि इस एग्जाम को देने की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे है, एग्जाम का लेवल क्या है, कौन कौन से बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं, एग्जाम का मोड क्या रहेगा, एग्जाम का फॉर्म कहाँ से भर सकते हैं, लैंग्वेज क्या रहेगा, टाइमिंग क्या रहेगी, बच्चे एग्जाम कहाँ पर देंगे, ये सारी चीज आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। साथ ही आप सैंपल पेपर एंड एग्जाम का पैटर्न भी इस वीडियो के द्वारा समझ पाएंगे ताकि आप अपने बच्चों को इसके प्रिपरेशन करवा सकें। तो चलिए देखते हैं, इससे पहले मैंने क्लास थर्ड एंड क्लास सेकेंड के भी वीडियो ओलम्पियाड के सब्जेक्ट वाइज डाली है, एग्जाम डेट भी इसमें डाला है और एडमिशन प्रोसेस वगैरह सारी चीज़ उसमें आपको मिल जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे साइंस ओलम्पियाड फाउंडेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा SOF ओलम्पियाड दिया जाता है। SOF इसका फुल फॉर्म हो गया साइंस ओलम्पियाड फाउंडेशन। इस एग्जाम को मैथ पेपर के लिए क्लास फर्स्ट से 12th तक के सभी बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं, चाहे वह किसी भी बोर्ड में हो इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अप्लीकेशन प्रोसेस स्कूल के द्वारा करवाई जाती है। SOF ओलम्पियाड का फॉर्म स्कूल में भरवाया जाता है और फिर एग्जाम करवाई जाती है। इंडिविजुअल स्टूडेंट्स इस एग्जाम को नहीं दे सकते हैं और यह एग्जाम ऑफलाइन मोड में ही ली जाती है, ऑनलाइन नहीं करवाई जाती है। एग्जाम के डेट मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए 3 डेट यहाँ पर दी गई है, 22 अक्टूबर, 19 नवम्बर एंड 12 दिसंबर। इन तीनों डेट में से आपके स्कूल में जिस डेट को चूज किया जाता है उसी डेट पर आपके स्कूल में एग्जाम होगी। एग्जाम मोड ऑफलाइन रहेगा, ऑनलाइन नहीं रहेगा। फीस ऑफ रजिस्ट्रेशन 125 रहेगी। यह एग्जाम साल में एक बार कराई जाती है एंड इसका मीडियम जो है इंग्लिश रहता है और ड्यूरेशन 1 आवर्स का रहता है। बच्चे स्कूल टाइमिंग में ही इस एग्जाम को स्कूल में दे सकते हैं। चलिए इसके अब हम सिलेबस एंड सैंपल पेपर चेक करते हैं। ये 2024-25 के लिए आपको मैं बता रही हूँ। करीब 25 ईयर से यह ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट सब्जेक्ट में बच्चों को ओलंपियाड एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। मैथमेटिक्स के लिए टोटल क्वेश्चन 35 रहते हैं और टाइमिंग 1 आवर्स का रहता है। पैटर्न एंड मार्किंग स्कीम हम समझ लेते हैं इसका। क्वेश्चन पेपर 4 भागों में बटा होता है। पहला है लॉजिकल रीजनिंग जिससे 10 क्वेश्चंस रहते हैं और पर क्वेश्चन 1 मार्क्स रहते हैं। दूसरा मैथमेटिकल रीजनिंग जिससे 10 क्वेश्चंस रहते हैं और पर क्वेश्चन 1 मार्क्स रहता है। थर्ड है एवरीडे मैथमेटिक्स जिससे भी 10 क्वेश्चंस रहते हैं और पर क्वेश्चन 1 मार्क्स। एंड लास्ट सेक्शन अचीवर सेक्शन रहता है जिससे कि 5 क्वेश्चंस रहते हैं और पर क्वेश्चन 2 मार्क्स रहते हैं। इस प्रकार टोटल 35 क्वेश्चंस रहते हैं और 1 घंटे का टाइम रहता है। अब हम सिलेबस देखते हैं। सेक्शन 1 में रीजनिंग में सिलेबस आपका हो जाता है पैटर्न, ऑड वन आउट, मेजरिंग यूनिट, जियोमेट्रिकल शेप, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, ग्रुपिंग, एनालॉजी, रैंकिंग टेस्ट, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फिगर। सेक्शन 2 में मैथमेटिक्स से हमारा सिलेबस हो जाता है न्यूमरल, नंबर नेम्स, नंबर सेंस, 2 डिजिट नंबर यहाँ पर रहेंगे, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, लेंथ, वेट एंड कंपैरिजंस, टाइम, मनी, ज्योमेट्रिकल शेप एंड सॉलिड्स। एंड सेक्शन 3 में सिलेबस एज पर एज सेक्शन 2 रहता है। एंड सेक्शन 4 हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन सिलेबस एज पर एज सेक्शन 2। सेक्शन 2 में जो सिलेबस दिया गया है उसी से ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब यहाँ पे कुछ सैंपल पेपर हम देख लेते हैं। पहला सेक्शन हमारा लॉजिकल रीजनिंग से है तो इसमें इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन रहेंगे। चलिए हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1। विच फिगर इज 5th फ्रॉम द राइट एंड। राइट में लास्ट से 5वां नंबर कौन सा होगा फिगर का। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। राइट हमारा यहाँ से दिया गया तो 5वां नंबर 1, 2, 3, 4, 5 फाइव इमेज के लिए R ऑप्शन दिया गया है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी R। R नंबर जो है राइट एंड से फिफ्थ पोजिशन पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर टू में हम देखते हैं द वर्ड इज गिवन इमेज आर फ्लाइंग डैश द हाउस. यहाँ हाउस पर जो है ये इमेज दी गई है. इस इमेज से क्या पता चल रहा है? ए इनसाइड, बी अबव, सी बिलो, डी अंडर. यहाँ पर इनसाइड मतलब साथ में, पास में, अबव मतलब ऊपर, सी बिलो मतलब नीचे, अंडर मतलब घर के अंदर. इसका मीन्स ये हो गया. तो इमेज में हमारे जो वर्ड्स जो है घर के ऊपर दिख रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अबव. अबव मीन्स ऊपर, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नंबर थर्ड. फाइंड द वैल्यू पी एंड क्यू इज अ गिवन नंबर पैटर्न. एक नंबर पैटर्न दिया गया है जिसमें हमें क्यू और पी की वैल्यू निकालनी है. तो चलिए यहां देख लेते हैं. 19 माइनस 16, 16 माइनस 13, इन दोनों का सीक्वेंस हम देख रहे हैं. तो 19 माइनस 16 में अगर हम 3 पर माइनस करते हैं, 19 माइनस 3 16, 16 माइनस 3 13. तो 13 में से हम माइनस अगर 3 करते हैं तो यहाँ हो जाता है ये 10. फिर 10 में से माइनस 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 7. फिर 7 में से माइनस 3 करते हैं तो यहाँ हो जाता है 4. और 4 में से फिर माइनस 3 हम करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1. तो इस प्रकार ये नंबर सीक्वेंस सही हो रहा है. तो यहाँ हो रहा है नंबर आपका P एंड Q. तो P को पहले हम लेंगे. P हमारा 4 हो रहा है और Q हमारा 10 हो रहा है. तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी. अब हम मैथमेटिकल रीजनिंग से देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. नंबर द स्ट्रेट लाइन इन द गिवन पिक्चर इज. इस इमेज में स्ट्रेट लाइन हमें देखना है कि कितने स्ट्रेट लाइन है. बच्चों हमें पता है स्ट्रेट लाइन क्या होता है? एक सीधी लाइन जाती है, स्ट्रेट लाइन होता है. तो नंबर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन इन गिवन पिक्चर इज, चलिए हम काउंट करते हैं. यहाँ पर ऊपर वाले फिगर्स में हो जाता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और दरवाजे में 3 हो गए, 14 गए 15, 16, 17 और इसमें 2 हो गए 18, 19. तो करेक्ट हो गया हमारा आंसर ऑप्शन डी 19. इस प्रकार आप आराम से इसको इजी वे में खुद काउंट करके देखिएगा, 19 स्ट्रेट लाइन यहाँ पर हो रहे हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स हैज ग्रेटेस्ट नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट. इसमें से सबसे ज्यादा किस में ऑब्जेक्ट्स हैं? चलिए सबको काउंट करते हैं. 1, 2, 3, 4, 5. यहाँ पे ये आपका हो गया 5. ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ये हो गया आपका 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ये नंबर हो गया 6. 1, 2, 3, 4. ये नंबर हो गया आपका 4. तो इसमें सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट इमेज क्या हो रहा है? 7 इसमें आ रहा है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हम देख लेते हैं. द लेंथ ऑफ द हॉकी स्टिक इज डैश यूनिट, यूज 1 एज यूनिट. यहाँ पे ये जो पिन दिया गया है इसके लिए 1 यूनिट माना गया है और हॉकी स्टिक की लेंथ कितनी है यहाँ तक हमें देखना है. तो यहाँ तक हमें इसकी लेंथ देखनी है, यहाँ तक हमारा आ रहा है और ये पिन इक्वल टू 1 यूनिट हो रहा है. तो कितनी यूनिट का ये है देखना है. 1, 2, 3, 4, 5, 6 यूनिट के ये हो रहे हैं. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 6. अब हम एवरीडे मैथमेटिक्स से चलिए क्वेश्चंस देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. रितु हैज डैश
प्रीति है जैस हाउ मेनी आइसक्रीम टू हैव दे हैव टुगेदर टुगेदर या ऑल टुगेदर का जब भी क्वेश्चन में वर्ड आता है तो इसका मतलब होता है सम प्लस करना या टोटल पूछा जा रहा है ऑल टुगेदर जैसे वर्ड यूज किए जा रहे हैं तो वहां पर हमें सम करना है तो रितु हैज एंड कृति हैज तो हाउ मेनी आइसक्रीम टू हैव ऑल टुगेदर डू हैव टुगेदर ऑल टुगेदर मतलब दोनों को मिलाकर कितनी आइसक्रीम हो रही है तो चलिए रितु का काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये हमारे हो गए 9 फिर इसको करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये हो गया 10 तो 10 और प्लस 9 इसको अगर हम प्लस करते हैं तो 0, 9, 9 और 1 ये हो गया तो करेक्ट आंसर कितने हो गए 19 सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 तानिया अबाउट 9 eggs from market. She broke 4 eggs. So how many eggs are not broken? यानी कि तानिया 9 अंडे मार्केट से खरीद कर लाई थी उसमें से 4 अंडे फूटे हुए थे तो कितने अंडे ऐसे हैं जो नहीं फूटे हुए हैं नॉट ब्रोकन तो काउंट करते हैं ये 4 अंडे फूटे हुए हैं तो कितने बचे 1, 2, 3, 4, 5 जब क्वेश्चंस में हाउ मेनी आर नॉट ब्रोकन तो कितने बचे हुए हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस में आप माइनस कर सकते हैं तो यहाँ पर आप इस प्रकार भी कर सकते हैं डायरेक्ट इमेज देखकर आप काउंट करके लिख सकते हैं तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 या 9-4 करेंगे तो भी हमारा 5 आएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 9 पे आ जाते हैं जो कि हमारा अचीवर सेक्शन से है इनकरेक्ट सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच हमें इनकरेक्ट मैच देखना है कौन सा है इसको सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे 3 और 2 क्या हो गया हमारा 5 और 8 में से 3 गया ये भी हो गया हमारा 5 माइनस करेंगे नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे 4 एंड 5 9 और 8 प्लस 3 हो जाएगा 11 इसको प्लस करना है 8, 9, 10, 11 10 में 0 प्लस करेंगे तो 10 हो जाएगा और 10 में 0 माइनस करेंगे तो भी ये 10 होगा प्लस माइनस करके आप देख लेंगे अब यहाँ 8 में से 4 गया 4 और 10 में से 6 गया 4 तो ये हम देख रहे हैं ऑप्शन ए सी एंड डी दोनों तरफ हमारा सेम डिजिट आ रहा है जबकि बी में जो है हमारा अलग अलग नंबर आ रहे हैं यहाँ 9 आ रहा है यहाँ 11 आ रहा है सो इनकरेक्ट मैच इज ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 10 पे देखेंगे तनुज ड्रिंक्स अ फ्यू ग्लास ऑफ जूस देयर आर डैश ग्लासेज ऑफ जूस लेफ्ट तनु ड्रिंक्स डैश ग्लासेज ऑफ जूस तो यहाँ पे क्वेश्चन को पहले समझिए अच्छे से उसके बाद यहाँ पर हमें देखना है पूछा जा रहा है कि तनु ने कुछ ग्लासेज जूस की थी उसमें से कितने ग्लासेज उसने पी लिए तो तनु ने कितने ग्लास बचे हुए हैं तो कितने ग्लास बचे हुए हैं तो 1, 2, 1, 2, 3, 4 यहाँ पर 4 ग्लासेस जूस के लेफ्ट मतलब बचे हुए हैं छूटे हुए हैं और तनु ड्रिंक्स कितने ग्लास उन्होंने पिए तो क्योंकि जो ग्लास खाली है वो ग्लास को तनु ने जूस पी लिया तो यहाँ पर कितने हो रहे हैं 1, 2 एंड 3 तो तनु ड्रिंक्स 3 ग्लासेस ऑफ जूस तो करेक्ट आंसर क्या हो गया 4 एंड 3 सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हो तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके क्लास फर्स्ट में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से रहते हैं आज के लिए इतना ही प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए और इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहें थैंक यू